के कराची कारसाज हादसे में दो अफराद की हलाकत का केस है। नताशा की मेडिकल रिपोर्ट में नशे की तस्दीक हो गई है। कराची कारसाज हादसे में दो अफराद की हलाकत का ये केस है। नताशा की मेडिकल रिपोर्ट में नशे की तस्दीक हो गई है। कारसाज हादसे में दो अफराद की हलाकत का मामला है। तफ्तीशी हुकाम को मुलजिमा नताशा की मेडिकल रिपोर्ट मौसूल हो गई है। मेडिकल रिपोर्ट में नशे की तस्दीक हो गई है। मेडिकल रिपोर्ट को अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस अफसरान का रिपोर्ट को खुफिया रखकर अदालत में जमा करवाने का फैसला। कारसाज हादसे में दो अफराद की हलाकत का मामला है। तफ्तीशी हुकाम को मुलजिमा नताशा की मेडिकल रिपोर्ट मौसूल हो गई है। मेडिकल रिपोर्ट में नशे की तस्दीक हो गई है। ज़रा के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट को अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस अफसरान का रिपोर्ट को खुफिया रखकर अदालत में जमा करवाने का फैसला। इससे पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं। फारहान खान हमारे साथ मौजूद हैं। फारहान आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नताशा के केस के अंदर जो वो एक अहम पेशकश सामने आई है। मेडिकल रिपोर्ट जो है वो तफ्तीशी हुकाम को सुपुर्द कर दी गई है। मेडिकल रिपोर्ट्स के अंदर मुलजिमा नताशा की मेडिकल रिपोर्ट्स के अंदर नशे की तस्दीक हुई है। एक अहम पेशरफ्त है। तमाम तर उन बातों पर अब सवाल उठने लगे हैं कि जो इब्तदाई तौर पर नताशा केस के अंदर मुलजिमा को मेंटल डिसऑर्डर करार दिया जा रहा था, अब तमाम तर उन सवाल के ऊपर उन बातों के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि तफ्तीशी रिपोर्ट के अंदर मुलजिमा नताशा को नशे का आदि करार दे दिया गया है, उसके अंदर नशे की तस्दीक हुई है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट को अदालत में भी पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट को पुलिस अफसरान ने खुफिया रख के अदालत में जमा कराने का फैसला भी किया है। जी फरहान, कहाँ से ये मेडिकल रिपोर्ट करवाई गई है और मजीद क्या इसमें इंकशाफात हुए हैं? जी बिल्कुल, नताशा जो है वो केस तफ्तीशी हुकाम के सुपुर्द किया गया था कोर्ट के बाद, जहाँ पे मुलजिमा को कस्टडी में भी रखने का कहा गया था, और वहीं तफ्तीशी हुकाम की जानिब उनको मेडिकल रिपोर्ट भी दी गई है। जाहिर तौर पर अभी इसकी मालूमात नहीं आई है कि मेडिकल रिपोर्ट अब तक किसी के पास है। ज़राए के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट्स को जो है वो बिल्कुल खुफिया रखा गया है, जिसको खुफिया बिना पे ही अदालत में भी पेश किया जाएगा, जबकि तफ्तीशी हुकाम की जानिब को मेडिकल रिपोर्ट को जो है वो भेज भी दी गया है। और मेडिकल रिपोर्ट में अब तक जो है ज़राए के मुताबिक यही बताया गया है कि नताशा जो है वो उस वक्त नशे में थी जब उनसे ये हादसा हुआ, और तमाम तर सवालात जो बातें थी वो इस वक्त इस रिपोर्ट ने गलत साबित कर दिया है कि नताशा को कोई मेंटल डिसऑर्डर था या कोई वो ज़हनी बीमारी। बहुत शुक्रिया फरहान खान।